गुड इवनिंग गाइस, गाइस भी खराब थी कल, आपको आपने व्लॉग में भी देखा होगा मेरी तबीयत खराब है आज। फिर मुझे ना एक दवाई, मुझे मतलब उल्टियाँ क्या वो मैं मतलब पीता भी नहीं ज़्यादा, फिर मेरे साथ मतलब ज़्यादा होते हैं उल्टियाँ। फिर मैंने किया, मैंने पापा के पापा से बोल के उनकी मतलब मसोई मम्मा से बोल के उनकी इंजेक्शन होता है वो मंगवा दिया, और मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, डर भी लग रहा है और मतलब ठीक भी हो जाना है। मम्मा अभी कोई थोड़ा काम था मम्मा को, और मम्मा किचन में आए वो काम कर रही थी, अभी आपने पीछे देखा होगा वहाँ से गई है। और आज हम शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग, और अभी मैंने आपको जैसा बताया है मेरी तबीयत खराब है, और आज हम जैसे देखते हैं ज़्यादा डर लग रहा है तो हम मम्मी के पास चलते हैं। अभी 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 ना मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मम्मा जी, ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने रूबिक क्यूब खेला, मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। तो आपने पहले से ब्लॉग शुरू कर दिया जी? आप काम कर रही थी ना इसलिए मैंने कहा मैं ब्लॉग बना लेती। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं मेरे सारे गाइस? ठीक है। तो आज ये देखें, ये मैथ्यू है। मैथ्यू की कल से तबीयत खराब थी, और रात को इसको बहुत तेज़ बुखार हो गया, सुबह भी बुखार था। क्यों बुखार था? इसलिए कि ये फजूल चीज़ें खाता है, ठंडी चीज़ें खाता है, जिसकी वजह से इसका गला ख़राब हो गया था, और उसकी वजह से इसे टेम्परेचर हो गया था। तो सुबह मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, मैं जब ड्यूटी पर जा रही थी तो इसको टेम्परेचर था, इसको आज स्कूल भी नहीं भेजा था फिर टेम्परेचर की वजह से। तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा था ड्यूटी पे जाने को, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं थी। इसके पापा, इसके डैडी इसके साथ थे। तो जब मैं ड्यूटी पे चली गई तो इसके साथ एक बहुत ही मज़े की बात हुई थी, बता दूँ क्या हुआ था? डैडी ने क्या किया था वो नहीं बताना, नहीं थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा। आज पता क्या हुआ था, मैं ड्यूटी पे चली गई और इसका गला ख़राब है, अंदर से सारा पका हुआ है, इसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। तो ये सिरप लेकर आए थे रात को ऑगमेंटन इसको पिलाने के लिए, तो ये मुंह में डालता था और उल्टी कर देता था, उल्टी कर देता था, ठीक है ना, बाहर निकाल देता था। तो इसके पापा ने फिर मुझे बताया, मैंने फिर डॉक्टर से पूछा वहाँ पे हॉस्पिटल में, कल इसको दिखा के भी लाए थे ना, तो पहले डॉक्टर को इसको चेकअप करवाया था कल। तो जैसे ही इसका चेकअप किया था, डॉक्टर ने सिरप वगैरह लिख के दिए, मेडिसिन लिख के दी, फिर ये सिरप पी नहीं रहा था। फिर इसके पापा ने इसकी थोड़ी सी पटाई भी की कि क्यों नहीं पी रहे, मुझे टेम्परेचर नहीं उतर रहा था पैनाडोल से। तो फिर वहाँ मैंने डॉक्टर से बात की कि कल जो बेबी आपको दिखाया था तो वो सिरप नहीं पी रहा, तो क्या करें? तो डॉक्टर ने कहा कि इसको इंजेक्शन लगाएं ऑक्सीडल, आज इसको इंजेक्शन लगाने हैं, लेकिन ये अभी तक लगवा नहीं रहा। लगवा लो लगा दूँ? हाँ हाँ, क्योंकि आज सुबह सिरप पिया तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम था, अभी भी है लेकिन कम है पहले से। अभी सोच रहे हैं कि इसको इंजेक्शन लगा ही दें, लेकिन ये अभी काबू में नहीं आ रहा। गाइस, मैथ्यू ने आज सिरप नहीं पिया तो हम उसे आज कैनला लगाने लगे हैं, वो कैनला नहीं लगवा रहा था, लेकिन अब उसे एड भी किया है तो कैनला लगवा रहा है, क्योंकि वो सिरप नहीं ले रहा। तो ये इसके डैडी ने इसकी वेन प्रोमिनेंट की है, कहाँ पे है सीधा करो, एक मैं दिखाती हूँ सीधा कैनला। ये देखें गाइस, ये इसकी वेन है यहाँ पे, तो अभी मैं इस पर कैनला लगा के तो फिर आपको दिखाती हूँ। उसके डैडी ने पकड़ा हुआ है, मैं
मेरा तो दिल नहीं कर रहा लगाने को, लेकिन मैथ्यू कहते मैंने मामा से लगवाना है। मामा से इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है तो चले गाइस, कैनुला लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। इसका कैनुला है काके, कितने दर्द हो, छोटे बच्चों वाला होगी नहीं ये, इतनी दर्द होगी ऐसे बस जो है हाँ ऐसे काके बिल्कुल नहीं फैलना। अच्छा कुछ भी नहीं होगी, ये वेन है और बहुत अच्छी वेन है। एक हर बंदे को आपो अपनी बेटा इसको मुठ खोल दे, बस कुछ भी नहीं होगा। बस हो गया माँ की जान, माँ सब के जाए ये बस फाइनल लग के बिल्कुल भी देखो नहीं रोया, बिल्कुल भी तंग नहीं किया ये, मैं इसको ऊपर से नहीं ऐसे फिक्स रहेगा ना। चलो अब इंजेक्शन लग जाएगा, अभी इंजेक्शन लगा लो। चलो ठीक है नहीं रात को देखना आपको ये लग जाएगा ना, अभी टेम्परेचर नहीं होगा रात को, या तीन दिन लगवा लोगे ना टेम्परेचर आपका जो है ना ठीक हो जाएगा। आज का सैटरडे का और संडे का चल इधर कर। ओ बेटा अभी आपको नहीं लगना है, अभी दर्द थोड़ी होगा। तो गाइस ये फाइनली मैंने मैथ्यू को कैनुला लगा दिया, ये वीडियो पे बनी है। हाँ वीडियो बनी है। अच्छा हाँ कैनुला लगा दिया है अभी से, ये मैं ऑक्सीजन इंजेक्शन है 500 mg। वीडियो कितनी बार कह रहा हूँ, ऐसे अंदर कैसे जाएगा। बस चलो बस अब ये इजी लग जाएगा, कुछ भी आपको नहीं पता ही नहीं चल रहा है। इजी बाजू अपना वो छोड़ दे, फ्री छोड़ दो, शाबाश मैं बच्चा फ्री छोड़ दो, इधर मेरी तरफ देख दो, ऊपर कर लो। हाँ बस ऊपर कर लो, कुछ भी नहीं है, ऊपर कर लो बस, मैं ऐसा ऐसा लगा दूंगी। वो देखो डाडा की तरफ, कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चे को, कुछ भी नहीं होगा। अब भी ठीक होती है, हाथ रखने से दर्द होती है, इधर देख पेन हुआ है, कोई भी नहीं हुआ पेन।
गाइस ये फाइनली ये देखें कैंडल लगा के मैंने इंजेक्शन लगा दी है। 3 दिन से इंजेक्शन लगाऊंगी तो टेम्परेचर भी उतर जाएगा। बहुत मुश्किल से कैंडल लगवाया है लेकिन फिर भी लग गया। चल एंड कर मैं थी अपनी इस वीडियो का। ये मेरे साथ किसी से भी कैंडल नहीं लगवाता ऐसा मेरे बच्चे सीधा कर लो बस कुछ भी नहीं होता ऐसे कर लो बेशक ऐसे कर लो। चले गाइस इसके साथ ही हम आपके ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।